So this is the opening sequence of the Charulata. It opens up the certain context or certain ideas regarding the social, political, economical situation of that time of humans. Through sound, we are able to see what cannot be seen in the screen, but we can feel it. Before we get into pre-production, there is one more stage called script development. अगर आपकी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो कहानी अच्छी नहीं लगेगी यार। प्रिया बस अब हो गया यार। ओए प्रिया, प्रिया, प्रिया। As we looked at it, you know, script is a kind of preparation for pre-production. Pre-production is a kind of preparation for production. So meaning of mise-en-scene is to stage a scene by using all the visual elements as distinct from the subject itself in order to create certain feeling or impression more than what story can deliver. Light is a electromagnetic radiation. अब ये lens के through cinema यानी कि digital sensor पे जाके hit करती है। डिजिटल सेंसर पे वो एक इमेज क्रिएट करती हैं, वो जाती है आपके प्रोसेसर में। ट्रैक एंड ट्रॉली में क्या है, आपका एक रेलिंग है, व्हील वाली एक डॉली होती है, उसको ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, ट्रॉली उसको हम बैलेंस करते हैं। अब इसके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, या तो ट्रॉली इन यानी कि अगर स्ट्रेट सीधा गया है, ट्रॉली आउट, या ट्रैक लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब हम ये सारी चीज कर चुके होते हैं, देन वी मूव इनटू पोस्ट प्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू असेंबल इट। यू हैव एडिटर हु इज गोइंग टू बी अ गुड असेट फॉर योर फिल्म। देयर आर थ्री वेज इन व्हिच टू शॉट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर। वन इज अ कट। इन अ कट टू क्लिप्स आर इंस्टेंटली जॉइंड टुगेदर। इन अ वाइड देयर इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बिटवीन टू शॉट्स। And in a dissolve, one shot slowly dissolves into the other shot. जब हम post production में आते हैं, एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये होती है कि we again regain that objectivity जहाँ से हमको अपने visuals को देखना है। So उस objectivity की जगह से हम judgment करते हैं और पूरी फिल्म का एक assembling करते हैं। तुम्हें कैसे पता हो सुल्तानपुर में खड़ी से महाराज नहीं रहे? गुरुजी के साथ लौटते हुए उन पर हमला हुआ और आप जल्दी चले मेरे राजमाता को सूचित करके आते। इसके बाद ऑफ कोर्स हम रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिसिटी और उस पे काम करते हैं। जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था वो बहुत ही अच्छे से समझाया। वी कुड क्लियर आवर डाउट्स, बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, ग्रूम आवर सेल्फ। वी आर इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड वी आर परफॉर्मिंग एंड टीचर आर जजिंग अस, टीचर्स आर रेक्टिफाइंग अस, टीचर्स आर बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस, टीचर आर मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सो मच आइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ बेस्ट प्लेटफॉर्म।